गया कि हमारे जो सहयोगी लोग हैं इन्होंने कहा कि सर हम इसकी सूचना जमशेदपुर को देते हैं, झारखंड को देते हैं, इवन पूरे इंडिया को जाएगा कि इनका मैं एक मार्गदर्शक भी हूँ, काउंसलर भी हूँ, लीडर भी हूँ और झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। तो एक तरह से बनता है कि लोगों को पता चला कि बास्केटबॉल में क्या, यदि हम बताएंगे नहीं कि जमशेदपुर में झारखंड में बास्केटबॉल में क्या उन्नति हो रही है तो लोगों को पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी उन्नति ये है कि मैं खुद इंडियन टीम के कोचिंग देने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि एक बार नहीं कई बार मैंने इंडियन टीम को तराशा है इंटरनेशनल लेवल के लिए, एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के लिए और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए, जिसमें इंडियन सीनियर टीम, इंडियन जूनियर टीम, मैन वीमन टीम, इवन यूथ टीम जो अंडर 16 होती है उसमें भी बॉयज़ ग्रुप को मैंने तराशा है और वो बच्चे एशियन चैम्पियनशिप में भाग लिए हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है। एक रिजल्ट रहा उसकी प्रिपरेशन के लिए कैंप जो लग रहा है इंदौर में लग रहा है, जो 6 तारीख से लग रहा है, जिसमें लगभग 24 से 26 प्लेयर जो सिलेक्टेड है पूरे इंडिया के वो उस कैंप में शामिल होंगे। मुझे उनको ट्रेनिंग देनी है, उनमें से प्योरिटी लानी है कौन से बेहतर प्लेयर हैं जो हमें आगे काम दे सकते हैं और वही जो उसमें 12 सेलेक्ट होंगे वही इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट होंगे, वही इंडियन टीम होंगे। और ये इंडियन टीम बिल्कुल यंग है, अंडर 18 है जिसको जूनियर हम कहते हैं और इन्हीं प्लेयरों से आगे के लिए जो पायदान है वो सीनियर खिलाड़ियों के लिए आता है। यदि ये प्लेयर सही ढंग से ट्रेन हुए तो निश्चित रूप से हमारी सीनियर टीम भी बेहतर होगी। और वहाँ से बाई एयर इंदौर के लिए 1 महीने की मुकम्मल ट्रेनिंग है और उसके बाद सिलेक्शन होगा वहाँ फाइनल टीम का और उसके बाद टीम आगे श्रीलंका के लिए रवाना। मेरा नाम सुप्रिया करण है, मैं यहाँ बास्केटबॉल एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ, झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जेपी सिंह। मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े हस्ती हमारे साथ बैठे हैं, इनके गाइडेंस के अंदर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे वे तरीके मिलते हैं हमें, नए नए तरीके जानने की। मैं इनके अंडर पर ट्रेनिंग भी ले चुकी हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनके जैसे कोच किसी को मिलना ये नॉर्मल बात नहीं है। हम सबका किस्मत या सौभाग्य है जो हमें इनका आशीर्वाद हमेशा से मिला। मैं ये बताना चाहूँगी कि सौ को फिर से, एक्चुअली ये फिर से, ये पहली बार नहीं है, काफ़ी बार हो चुकी है, बट अब फिर से उन्हें ये मौका मिला है इंडियन टीम को फिर से अपने अंडर पे गाइड करना, उनको कोचिंग देने का। एंड ही विल बी, वो एक हेड कोच रहेंगे वहाँ पे, जो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, झारखंड वासियों के लिए, हम सारे प्लेयर्स के लिए। तो मैं सर को ये गुड विशेस देना चाहूँगी कि सर आप सेफ्टी के साथ, अपने हेल्थ केयर के साथ आप ये चीज़ करें और हमें पता है कि इंडियन टीम आपके अंडर पे बहुत अच्छी ही रिजल्ट देगी। ये 6th से होने वाला है कैंप, 6th जून से। तो मैं सर को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस और हमारे तरफ से बहुत सारा प्यार। 24 झारखंड जमशेदपुर से जावेद आलम। आप देख रहे हैं कि जहाँ आज हमारे सर इंडियन टीम के कोचिंग के लिए श्रीलंका रवाना होने वाले हैं, जो 1 महीना का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जो भी सिलेक्शन होगा। तो हमारे जमशेदपुर में अगर देखा जाए तो लोहे नगरी में स्पोर्ट्स का बहुत ही खिलाड़ी है। आइए बात करते हैं। माय नेम इज अंजलि और मैं बहुत सारा बेस्ट विशेस हमारे कोच, जो हमारे भी कोच रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी कोच रह चुके हैं सर जेपी सिंह को, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उनको फिर से एक बार इंटरनेशनल कोच के रूप में सेलेक्ट किया गया है। और जैसा कि हम ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं और हम बहुत किस्मत वाले कि हम, क्या लग रहा है भारत अगर जा रहा है श्रीलंका के लिए तो क्या उम्मीद है सर पे और टीम पे? हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं और हम जानते हैं कि सर से ज़्यादा इन दिनों अपडेटेड बास्केटबॉल में कोई भी नहीं है। तो डेफिनेटली टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी एंड आई विश कि वो गोल्ड मेडल फिर से जीते, जैसे उन्होंने पिछली बार सर के गाइडेंस में जीता था। मैनेज 24 से जाऊँगा।